नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एस एम मुस्तफ़ा। और अभी आप किस पार्टी में, आप किस पोस्ट में हो? आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट, जातीय कांग्रेस। आसनसोल में हम लोग को तो लग नहीं रहा कहीं पे कांग्रेस की जमीन हम लोग को दिखाई दे रही है। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो, क्या लग रहा है आपको कांग्रेस का फ्यूचर? देखिए, ये तो पूरा आपका आसनसोल नॉर्थ कांग्रेस का ही भूमि रहा है। ऐसे आप देखिएगा तो ऑल इंडिया में कांग्रेस ही रहा है, क्योंकि जो लोग जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी उसी ढंग से आगे बढ़ रहा है। तो जिस इलाके में हम लोग को कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग मेहनत कर रहे हैं, उस इलाके में कांग्रेस को आप देख ही रहे होंगे, कांग्रेस का बढ़ भी रहा है। जिस तरह राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी खास करके कोरोना वायरस को लेकर के सतर्क कर रहे थे, तो आम आदमी का आज भी कहीं ना कहीं सिंपैथी कांग्रेस के ऊपर में ही टिका हुआ है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जब से कांग्रेस आसनसोल में वजूद में आई है, तब से यहाँ पे हमेशा ग्रुपिज्म था। और आप लोग को भी हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस दो चार ग्रुप में हम लोग को बटी हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक दिन डिपोटेशन कोई और ग्रुप देता है, फिर दूसरा दिन ग्रुप डिपोटेशन कोई और ग्रुप देता है। इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, यही चूंकि हम लोग का कैडर वाइज पार्टी नहीं है, चूंकि आप देखेंगे बीजेपी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कैडर वाइज पार्टी है। उसका एक लीडर होता है, एक हुक्मनामा जारी होता है एक ऑफिस से, उसमें सेक्युलरिज्म नहीं है। और हम लोग का जहाँ तक जो कांग्रेस पार्टी है, देश की आज़ादी से लेकर के आज तक लोग टुकड़ों में बढ़ करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे। गुरुविज्म शुरू से रहा है और गुरुविज्म कांग्रेस में है, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब शिष्टाचार नहीं है आपकी पार्टी में? देखिए, शिष्टाचार अगर आप बोलिएगा तो हम लोग का सेवा दल जो है, सेवा दल आप देखेंगे, सेवा दल कांग्रेस में जो नीति है, जो आयन है, अगर उसको आप मान करके चलेंगे तो कांग्रेस का जो कांग्रेस में आयन है, तो सेवा दल को देख करके सीखने का मिलता है। जो लोग सेवा दल होकर आएंगे, आप उसमें देखे होंगे उसके अंदर जो डिसिप्लिन है, तो सेवा दल एक मार्गदर्शन देती है कांग्रेस को। आपको लग रहा है कि नेतृत्व क्षमता जो है कांग्रेस में नहीं रहेगी? नहीं, ऐसा बात नहीं। आप आज देखेंगे तो सेंट्रल में अगर कोई अपोजिशन है तो कांग्रेस ही है। आप बहुत सारे विभिन्न राज्यों में आज देखेंगे कांग्रेस ही है। और बहुत सारे रिसेंट में हम लोग 4-5 राज्य जीत करके भी आए। आप अगर ये बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। कांग्रेस के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग तो जैसे अगला बार हम लोग देखेंगे कांग्रेस से लोग जीता टिकट लेकर के, फिर वो लोग टीएमसी में चले गए। देखिए ऐसा तो अगर कानून होता तो उन लोग को बाहर कर दिया जाता, क्योंकि 1/3 बहुमत के साथ जैसे ML MP होता है जाता है, तो उसको बाहर नहीं कह सकता। मगर काउंसिलर और पंचायत में ऐसा नहीं है सिस्टम कि जो लोग जीत करके आते हैं वो लोग चले जाते हैं। बहुत दुख की बात है, वो लोग मुफाद परस्त लोग होते हैं, अपनी मुफाद को देखने के लिए चले जाते हैं। काम तो आप कभी भी रह करके अपोजिशन में रह करके कर सकते हो। सबसे आपको बढ़िया मौका अपोजिशन में रहते हुए आप जो काम करोगे वो समझिए आम आदमी के लोगों के लिए काम करोगे। आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस के पहले कुछ कम लोग होते थे, लेकिन जैसे जैसे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का दिन नज़दीक आ रहा है, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। वो कांग्रेस को देखकर आ रहे हैं ना अपना टिकट लेने के लिए पार्टी में? नहीं, देखिए हम लोग, आप अगर देखेंगे तो 2-3 साल से कंटिन्यू हम लोग पूरे आसनसोल रेल पर इलाके में बहुत जमीनी स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं, बूथ लेवल से काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का जैसा आदेश मिला था, तो हम लोग इस बार जैसे हम लोग जो ब्लॉक प्रेसिडेंट जब से मैं 2 साल हो गया हमारा, तो वार्ड प्रेसिडेंट से लेकर के बूथ प्रेसिडेंट तक के हम लोग कांग्रेस का काम कार्यकर्ता तक पहुंचने का काम किए हैं। जो लोग घर में पुराने काम किए, आपने पूरे काम किए, क्या काम किए? आप देखे होंगे, आप जैसे अभी कोरोना वायरस जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि हमारे इस पूरे वर्धमान जिला में तरुण राय जी के नेतृत्व में आप देखे होंगे गांव गांव ग्राम ग्राम इलाका में जहां पे सरकार के लोग नहीं पहुंच पाए, उस इलाके में जातीय कांग्रेस के लोग उस इलाके में जाके अनाज बांटने का काम किए हैं। और आप पूरे वर्धमान जिला में आप घूम घूम पता करेंगे तो उस गाँव गाँव ग्राम ग्राम में कांग्रेस का ही लोग पहुँच पाए हैं। आप लोग की इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही? देखिए, इलेक्शन का तैयारी तो चूँकि जब ऐलान सरकार करेगी पूरा वेस्ट बंगाल में आसनसोल में भी होगा, तो हम लोग का तैयारी मोटा मोटी चूँकि स्टेट अभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलायंस होकर के लड़ाई लड़ेगी, ये हम लोग का पहला सोच है कि हम लोग का चूँकि ऊपर से दो आदेश आएगा तो हम लोग को उस ढंग से पालन करेगा। ऐसे हम लोग तैयारी पूरा आसनसोल में चूँकि एज ए कांग्रेस होने के नाते, कांग्रेस का ब्लॉक होने के नाते, हम लोग हर वार्ड में कैंडिडेट देंगे। अगर आदेश ऐसा आएगा तो हम लोग उसका पालन करेंगे। तो आसनसोल में काफ़ी सक्रिय है राजनीति क्षेत्र में, तो आपके नियर से सत्ता दल किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, अगर आप सत्ता दल के बारे बोलेंगे, जैसे भी हमारे इस आसनसोल इलाके में बहुत सा चीज़ ऐसा है जिसको कर नहीं पाई। जैसे शिक्षा के मामलात में आप अगर देखेंगे तो हमारा हाजी कदम हाई स्कूल
चूंकि सत्ता दल यही बोल करके ही वेस्ट बंगाल में आई थी, उर्दू का सेकंड लैंग्वेज देंगे, रिजवान रहमान का कातिल को कारागार में भेजेंगे, नंदीग्राम सिंगूर जो लोग किसान 3 फसली जमीन जिसको नैनो फैक्ट्री CPM लगा रही थी उसको हटाने के लिए ममता बनर्जी पुरजोर मुखालफत किया, और आज आप देखेंगे कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पर फेल है। अगर आप देखेंगे हमारे इस वार्ड में जो 25 नंबर वार्ड है इसमें अगर आप देखेंगे एक स्कूल उर्दू स्कूल जो बन रहा था इसको कोई बीजेपी CPM या अदर पार्टी या कांग्रेस वाले नहीं रोका है। आप देखेंगे कि इसको रोकाने वाला भी यही लोग है, चूँकि ये लोग मुसलमान के अंदर में शिक्षित होना नहीं देखना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज देखना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं ठीक कि लोग बेकार रहेंगे, मेरा डंडा झंडा धरेंगे, लोगों को उस तरीके से मोटलाइज करके बनाया जा रहा है। आपके वार्ड में जो काउंसिलर हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? देखिए काम का मामला में आप अगर देखेंगे तो जिस तरीके से हमारा सांसद है बाबुल सुप्रियो जी लॉकडाउन ये जो COVID-19 जो है कोरोना वायरस के टाइम में उसको खोजने से नहीं मिल रहा है, ठीक उसी तरीके से हमारे वार्ड का जो काउंसलर है उसको देखने पर भी लोग में पूछ कर घूम कर देख लीजिएगा तो उसको देखने मेरे ख्याल से देखे हुए भी एक जमाना हो गया होगा। प्रधानमंत्री ने जो अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया आपको क्या लगता है कि लोग कम से कम उनको 2-4 दिन का समय दे देना चाहिए, अगर वो समय देते तो लॉकडाउन होने की वजह से रास्ते में जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं ऐसे कांग्रेस आप लोग क्या कर रहे हैं उनको घर तक लाने के लिए? देखिए आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने जनवरी फरवरी में पहला हफ्ता में ही बता दिया था नरेंद्र मोदी जी को कि एक बहुत बड़ा सुनामी चाइना से COVID-19 कोरोना वायरस आने वाली है, चूँकि उस वक्त मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया था और ट्रंप का स्वागत में लगे हुए थे। तो आप अगर देखेंगे तो इसका पूरा जिम्मेवार चूँकि जो मजदूर लोग हैं वो भी एक इंसान है, आप जैसे क्वेटा से स्टूडेंट लोग को लाने का काम कर रहे हैं, मजदूर भी देश का रीढ़ की एक हड्डी है जैसे किसान है फौज है, तो आप मजदूरों को कहीं ना कहीं मरने के लिए छोड़ दिए हैं, उसको शिक्षक रहे भूख से मर रहे हैं भूखमरी से मर रहे हैं, और आप चूँकि सेंट्रल हुकूमत ये हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाह रही है। आप COVID-19 में भी देखेंगे ये COVID-19 जो कोरोना वायरस है एक आदर पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान में इसको कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को जमातियों से मुसलमानों से जुड़ करके देखा जा रहा है। आज हिंदुस्तान का जो हालत है हिंदू मुस्लिम में कोरोना वायरस बढ़ गया है। चलिए आने वाले दिनों में अब एक बहुत ही मुकद्दस त्यौहार है ईद उल फित्र, इस मौके पे आप क्या कहोगे लोगों के? देखिए चूँकि 1.5 माह से लोग घरों में लॉकडाउन है, लोगों का इनकम कम हो गया है, मैं अपने इन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि रमजान मुबारक का महीना ख़त्म होते ही ईद आप अमन और शांति और सादगी से मनाएं, चूँकि इस्लाम में अमन और शांति ही इस्लाम हमेशा सिखाते हुए आया है। मैं उन तमाम लोगों से भाइयों से गुजारिश करूँगा कि ईद का दिन भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं और ख़ास करके मार्केट करने के लिए भीड़ लगा करके शक्ल में ना जाएं, और आप हमेशा अपने पड़ोसियों को ध्यान में रखें। आप अगर नया कपड़ा पहन करके ईद मना ले रहे हैं आप ये देखेंगे कि आपका पड़ोसी कहीं पुराना कपड़ा पहन करके तो नहीं है, तो उस वक्त आपका ज़मीर आपको झिझोड़ेगा, तो इसलिए ईद अमन और सादगी और भाईचारगी के साथ मनाएं। मैं इन्हीं बातों पर उन तमाम लोगों को भी ईद मुबारकबाद दूंगा, जो लोग अमन पसंद हो गए जो लोग सादगी से ईद मनाएंगे उन तमाम लोगों को अहले वतन को ईद मुबारक का पेशगी देता हूँ।